हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, द बिग अनाउंसमेंट इज हियर फ्रॉम डिज्नी प्लस हॉटस्टार। 7 फिल्म्स दैट विल बी एक्सक्लूसिवली रिलीजिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। जो ये 7 फिल्म है जिसका नाम मैं अभी लूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर रिलीज होगा, प्रीमियर होगा, जिसका मतलब है थिएटर में ये फिल्म बिल्कुल रिलीज नहीं होगा। गुड डिसीजन, बैड डिसीजन दर्शकों के लिए ये कितना अच्छा है, ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले वो 7 फिल्म कौन से है उस पर एक नजर डालते हैं। स्टार्टिंग विद दिल बेचारा स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत, 24 जुलाई को दोस्तों ये फिल्म प्रीमियर होगा। और अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सब्सक्राइब नहीं भी किया हो तो भी आप ये फिल्म देख सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय हॉटस्टार। अब इसके बाद जो भी फिल्म रिलीज होगा उसका रिलीज डेट तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो चुका है, लेकिन उनका पोस्टर रिलीज ऑफिशियली हो चुका है आज। ये सारे फिल्म है अक्षय कुमार लक्ष्मी बॉम्ब, अजय देवगन्स भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अभिषेक बच्चन्स बिग बुल, सड़क टू स्टारिंग आलिया भट्ट, विद्युत जामवाल्स खुदा हाफिज एंड कुणाल केमूस लूट केस। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, बाय नॉट इनवाइटिंग विद्युत जामवाल एंड कुणाल केमू, आई डोंट थिंक हॉटस्टार डिड अ राइट थिंग। इट वॉज एक्सट्रीमली इनकरेक्ट ऑन हॉटस्टार्स पार्ट टू हैव नॉट इन्वाइटेड दीज टू एक्टर्स। इनफैक्ट विद्युत इवन मेड इज डिसप्लेजर नोन ऑन हिज ट्विटर प्रोफाइल। बहुत बुरा लगा रहेगा उनको ऑब्वियसली। अब इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे, एक लेंथी डिस्कशन करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अबाउट विद्युत जामवाल। बट इतना ज़रूर कहूंगा इस वीडियो में, वरुण धवन हु होस्टेड द एंटायर इवेंट वॉज एक्सट्रीमली ग्रेशियस विद द वे ही इंट्रोड्यूस विद्युत जामवाल फिल्म खुदा हाफिज एंड द वे ही इंट्रोड्यूस विद्युत जामवाल एज वेल, सो कूडोज टू वरुण धवन फॉर दैट। नाउ मूविंग ऑन, दोस्तों पोस्टर देखा आपने लक्ष्मी बॉम्ब का, पोस्टर देखा आपने भुज का, पोस्टर देखा आपने सड़क टू का, संजू बाबा का भी पोस्टर देखा होगा आपने, खुदा हाफिज का भी पोस्टर देखा, लूट केस को तो ऑब्वियसली बहुत प्रमोट किया गया था क्योंकि पहले रिलीज होना था, अटक गया था, एंड प्लस बिग बुल का भी पोस्टर देखा। पोस्टर मुझे तो पर्सनली सारे पोस्टर्स अच्छा लगा, अक्षय कुमार का लुक अच्छा लगा, अजय देवगन का लुक अच्छा लगा, सड़क टू तो ऑब्वियसली एक स्पिरिचुअल फिलोसफिकल काइंड ऑफ अ पोस्टर था, बिग बुल वेरी गुड पोस्टर अगेन, खुदा हाफिज विद्युत जामवाल वेरी गुड, लूट केस ऑब्वियसली क्वाइट गुड एज वेल। द क्वेश्चन इज, आई विल स्टार्ट विद लक्ष्मी बॉम्ब एंड भुज द प्राइड ऑफ इंडिया बिकॉज इट स्टार्स टू वेरी बिग सुपर स्टार्स, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन। कितने खुश है फैंस विद लक्ष्मी बॉम्ब रिलीजिंग ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, कितने खुश है फैंस विद भुज रिलीजिंग ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड अक्षय कुमार फिल्म, वो भी एक हॉरर कॉमेडी विद अक्षय कुमार इन अ सारी प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर। यार ये थिएटर में देखने वाला एक फिल्म था दोस्तों। अक्षय कुमार का जो कोर फैन बेस है, उनका जो फैन बेस है, उनका जो फैन क्लब है, दे वर ऑल रूटिंग टू सी दिस फिल्म इन थिएटर्स। सिमिलरली अजय देवगन, स्पेशली आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ तानाजी, भुज जैसा एक फिल्म, यार इतने ग्रैंड स्केल पे शूट किया गया फिल्म विद अजय देवगन इन अ हाईली पेट्रियोटिक रोल, पेट्रियोटिज्म से भरा हुआ ये फिल्म, दोस्तों थिएटर में रिलीज होते तो कितना मजा आता यार, तालियां बजता, गूज बम्स वाले मूवमेंट भी कितने होते थे उसमें। बट अनफॉर्चुनेट इसको हमें डिजिटल पर देखना पड़ेगा अभी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन, द क्वेश्चन इज व्हाई कुडंट दिस सुपरस्टार्स वेट। अक्षय कुमार साहब सूर्यवंशी रिलीज करना चाहेंगे डिजिटल पे? ऑब्वियसली उसके लिए भी बहुत सारा पैसा तो ऑफर किया गया रहेगा बाई वेरियस अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओवर सूर्यवंशी। But will Akshay Kumar along with Rohit Shetty take this decision of releasing it in OTT platforms? I don't think so. Similarly, yaar, why would Ajay Devgan release Bhuj in theaters, especially after the huge success of Tanaji? Yaar, obviously, Akshay Kumar saab ne bhi is press conference mein kaha, abhi times are such that pandemic chal raha hai, तो theaters कब खुलेगा किसी को कुछ idea नहीं। उन्होंने एक बात अच्छा कहा कि film का first birthright थिएटर के पास होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को काउंटर किया उदय शंकर, द हेड ऑफ डिज्नी। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, उदय शंकर ने कहा कि फर्स्ट बर्थ राइट फिल्म व्यूअर के पास होना चाहिए। अब उदय शंकर इज ऑल्सो राइट, अक्षय कुमार इज ऑल्सो राइट, द पॉइंट इज वॉट डज अ फिल्म व्यूअर वॉन्ट। दोस्तों मेरी बात करूंगा तो यार, आई वॉन्ट फिल्म टू बी रिलीज इन थिएटर्स फर्स्ट, अनलेस ऑफकोर्स इट इज स्पेसिफिकली बींग मेड फॉर ओटीटी। ये तो ओटीटी वालों का फंडा सिंपल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा बहुत है यार, ये सब अमरीकी वाले लोग हैं, बहुत पैसा है यार इनके लिए, एक 100-200 करोड़ लूज चेंज है, दे दो खरीदो और रिलीज करो। बट यार सुपरस्टार्स का फिल्म मेरे हिसाब से दोस्तों थिएटर में ही रिलीज होना चाहिए। अब बिकॉज दिस फिल्म आर रिलीजिंग ऑन ओटीटी, मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या ये फिल्म का कंटेंट ही उतना ज़बरदस्त नहीं है कि शायद अगर थिएटर में रिलीज़ हो तो उतना बॉक्स ऑफिस पर धमाल ना करे?
ये क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि गुलाबो सिताबो स्टारिंग अमिताभ एंड आयुष्मान खुराना, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि ये ओटीटी पर रिलीज होगा, मैं तभी बताया था कि आई हैव अ डाउट द कॉन्टेंट ऑफ गुलाबो सिताबो इज नॉट दैट ग्रेट, और शायद अगर ये थिएटर में रिलीज करता तो बॉक्स ऑफिस पर उतना बिजनेस नहीं करता था। एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, जब फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गया, उसके रिव्यूज आप देख लीजिए, द फिल्म टर्न्ड आउट टू बी एक्सट्रीमली एवरेज एंड बोरिंग। अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होता तो यार डिजास्टर होती है, डिजास्टर। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द फिल्म मेकर मेड सुजीत सरकार प्रॉबेबली हैड एन आइडिया अबाउट द फैक्ट दैट इफ रिलीज इन थिएटर इट वुड प्रॉबली नॉट डू वेल, सो ओटीटी पर रिलीज करके उनका ही फायदा हुआ ना, अच्छा प्राइज मिला, तो सबका विन विन सिचुएशन हुआ। तो आई हैव अ फिल्म, आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर, मुझे एक फीलिंग है शायद लक्ष्मी बॉम्ब एंड भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मे नॉट हैव एग्जैक्टली बीन टर्नड आउट द वे इट शुड हैव, एंड प्रॉबेबली अक्षय कुमार एंड अजय देवगन हैव अ नैगिंग फीलिंग दैट इफ रिलीज इन थिएटर्स इट मे नॉट हैव डन वर्ल्ड विंड बिजनेस। तो प्रॉबेबली एन ओ टी टी डील इज अ बेटर डील, अ सेफर वे आउट, दिस इज माई फीलिंग। अब देखना पड़ेगा जब फिल्म फाइनली रिलीज होता है डिज्नी प्लस हॉट स्टार हाउ इट हैज टर्न्ड आउट, बट द फैक्ट दैट सुपरस्टार्स लाइक अक्षय कुमार एंड अजय देवगन हैव टेकन अ डिसीजन टू रिलीज देयर फिल्म्स ऑन ओटीटी गिव्स मी अ गट फीलिंग दैट प्रोबेबली दीज फिल्म्स मे नॉट हैव एग्जैक्टली टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेल, एंड प्रोबेबली जैसे मैंने कहा थिएटर में अगर रिलीज करता तो शायद धमाका बिजनेस नहीं करता था, एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाई दे हैव टेकन दिस डिसीजन ऑफ रिलीजिंग इट ऑन OTT प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों को क्या लगता है लिखकर बताना। बाकी तो वैसे भी छोटे फिल्म है, मैं बड़ा फिल्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा फिल्म अक्षय कुमार का फिल्म फैमिली फिल्म है, सब लोग जाके देखते हैं, भर भर के जाके देखते हैं। अजय देवगन सिमिलरली है, आप लोग सोचो ना, जैसा मैंने गुलाबो सिताबो के टाइम पे कहा था, आयुष्मान खुराना जैसा आदमी हु इज एंजॉइंग अ माइडास टच एट द बॉक्स ऑफिस, वाई वुड ही नॉट वॉन्ट हिज फिल्म टू रिलीज इन थिएटर्स। सिमिलरली वाई वुड अ सुपरस्टार लाइक अजय देवगन एंड अक्षय कुमार नॉट वॉन्ट देयर फिल्म टू बी रिलीज इन थिएटर्स। पैंडमिक तो ठीक है, बट क्या सूर्यवंशी आप रिलीज करोगे अभी? नहीं ना, दैट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड दोस्तों। खैर एनीवेज, जब रिलीज होगा फिल्म देखेंगे हम, रिव्यू करेंगे वो टाइम पर, बट आप लोगों को क्या लगता है इस डिसीजन के बारे में लिखकर बताना। नाउ कमिंग टू द OTT प्लेटफॉर्म्स, लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अब इन्होंने इतने सारे फिल्म्स एक्वायर किया है, इसका प्रमोशन भी करेंगे, इसको बड़े धूमधाम से उनके OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज, क्या इससे व्यूअर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या इससे सब्सक्राइबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दीज फिल्म्स रिलीजिंग ऑन डिजिटल, पायरेसी जरूर बढ़ेगा, टॉरेंट पे तभी का तभी अवेलेबल होगा, टेलीग्राम पे तभी का तभी अवेलेबल होगा। क्या आपको लगता है कि सारे के सारे लोग जो अक्षय कुमार का फिल्म जो देखना चाहते हैं और अजय देवगन का फिल्म जो देखना चाहते हैं जो अभी थिएटर में नहीं डिजिटल पर अवेलेबल होगा, क्या ये लोग अभी जाके हॉटस्टार सब्सक्राइब करेगा? यार मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जो सलोन में जाता हूँ वहाँ पे जो बंदा मेरा बाल काटता है यार, मूवी बफ है वो, एंड एवरी मूवी गोज टू द थिएटर टू वॉच इट। बट जब वेब सीरीज की बात आती है, दूसरे जो फिल्म्स की बात आती है जो डिजिटली रिलीज होता है, वो भी फिल्म्स वो देखता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करता है। उसको पूछा यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करता है, तो वो बोलता है यार पैसा ज़्यादा है, मेरे को नहीं करना, एंड अवेलेबल है फॉर डाउनलोड ऑन ऑल दिस साइट्स, तो क्यों नहीं डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे डाउनलोड करता हूँ, टॉरेंट पे डाउनलोड करता हूँ। मैं उसको बोला यार सब्सक्राइब कर ले, इट इज़ नॉट गुड टू वॉच पायरेटेड कॉन्टेंट। बोलता है यार पैसा मेरा, मैं डिसाइड करूँगा ना स्पेंड करना है कि नहीं करना है। द पॉइंट इज ऑल दिस OTT प्लेटफॉर्म्स हु चार्ज अ प्रीमियम फॉर देयर कॉन्टेंट, रिलीजिंग दिस फिल्म्स विल नॉट हेल्प यू गेन सब्सक्राइबर्स इन एनी वे व्हाटसोएवर। आप दिल बेचारा देखना, दिल बेचारा के लिए बहुत पब्लिक आएंगे क्योंकि वो फ्री है, बट एज फार एज अदर कॉन्टेंट गोज आई डोंट थिंक पीपल विल स्टार्ट सब्सक्राइबिंग इमीडिएटली जस्ट टू सी देयर फेवरेट स्टार्स व्हेन यू कैन ईजिली डाउनलोड इट फ्रॉम पायरेटेड साइट्स। तो जब तक पायरेसी खत्म नहीं होगा तब तक आपका व्यूअरशिप तो बढ़ेगा ही नहीं। और फाइनली ये सारा जो कॉन्टेंट है डिजिटल, मेनली पीपल वॉच इट ऑन देयर मोबाइल स्क्रीन्स, हाउ विल यू स्टॉप पायरेसी? आई थिंक पायरेसी बढ़ेगा इससे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट व्यूअर्स एट ऑल। अक्षय एंड अजय शुड हैव वेटेड फॉर थिएटर्स टू ओपन। वैसे भी यार दिन भर दिन वेब सीरीज तो रिलीज हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्टेंट भी रिलीज हो रहा है, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, हॉटस्टार पर हो, तो वॉट इज द रश? हाँ फॉर हॉटस्टार पैसा फेंको तमाशा देखो, बट फॉर व्यूअर्स आई डोंट थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड दोस्तों, आप लोग बताना आपका क्या टेक है इस पर। मेरा तो सिंपल सा टेक है, जस्ट टू समराइज इट, आई हैव अ फीलिंग द फिल्म्स आर नॉट दैट ग्रेट, दीज आर नॉट रियली रियली बिग फिल्म्स, लाइक अ सूर्यवंशी विल नेवर रिलीज ऑन OTT, सो
it has been released on OTT because I have a feeling it's not that very well made. And secondly, I don't think subscribers बढ़ने वाला है Hotstar का. Piracy इससे बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा. People will go to Telegram and download it. मैं तो यार सब्सक्राइबर हूँ तो मैं तो ये ऑफिशियल चैनल्स पर देखेगा, लेकिन बाकी लोगों का गारंटी तो मैं ले नहीं सकता. बाकी लोगों को मैं जाके बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो लोग बोलोगे यार अगर तू इतना बोल रहे तो खुद पैसा डालना, सब्सक्राइब करके दे. सिंपल सा चीज़ है यार, बहुत सारे लोग जो फ़ोन पर देखते हैं, नेट तो बहुत चीप प्राइस पर अवेलेबल है, बट हाउ विल दे सब्सक्राइब? उनके पास तो ई वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी नहीं होता है यार. उनका अकाउंट लिंक्ड नहीं होता है फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, या फिर ऑफिशियल जो उनका मतलब ऑनलाइन अकाउंट होता है यार. तो कैसे उन लोग कॉन्टेंट देखेंगे और क्यों देखेंगे? 2 घंटे में टॉरेंट पर अवेलेबल होता है. तो दोस्तों, आई डोंट थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन. या फॉर द ओटीटी प्लेयर्स इट्स गुड, दे आर गेटिंग न्यू कॉन्टेंट, बट फॉर फिल्म व्यूअर्स इट्स अ लॉस. ऑलवेज वेट फॉर थिएटर्स, थिएटर्स में रिलीज हो उसके बाद ये सब प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है. वाई द हरी, वाई द रश? दैट इज माई टेक. दोस्तों, आप लोगों का क्या टेक है लिखकर बताना कॉमेंट बॉक्स में. फॉर द मोमेंट, सोनू सेज टाटा.